हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं आप लोग से। अभी हम लोग के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो खाली यूट्यूब तक ही सीमित रह गया है। मेरी कोई भी नई वीडियो आती है आप लोग को उसके बारे में बता नहीं सकता हूं किसी भी जरिए से। उसके लिए मैं शेयर करना चाहता हूं अपना इंस्टाग्राम हैंडल। नीचे जाके आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हो वहां से। जो भी मेरी वीडियो आने वाली है या फिर जो भी आ चुकी है वीडियो, मैं सारी की सारी वहां पे अपडेट देता रहूंगा। कोई भी अगर अपकमिंग वीडियो होगी या फिर मैं लाइव जाऊंगा, एक्चुअली मैं लाइव जाने अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि अभी मेरी ऑडियंस थोड़ी सी बड़ी हो गई है। वी क्रॉस 500 सब्सक्राइबर्स, सो मैं सोच रहा हूँ कि लाइव सेशंस भी करूँ जिसमें आप लोग के डाउट्स जो है लाइव में क्लियर कर सकूँ। मैं अपना शॉर्ट पे काम करता रहूँगा, आप लोग के जो डाउट्स होंगे मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा ऑन द स्पॉट। ये एक प्लान है मेरा चल रहा है इस समय। अगर इस तरह की कोई भी न्यूज़ होगी मैं आपसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप मेरे गेमिंग चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी एक और चैनल है, वो मेरा बेसिकली ट्रैवलिंग का था, बट लॉकडाउन के चक्कर में वो ट्रैवलिंग साइड के बेसिकली बन गया हुआ है, टेक चैनल करके बन चुका है। तो अगर आपको उसको फॉलो करना तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू कन्वर्ट अ 2D इमेज इनटू 3D विद द हेल्प ऑफ 3D प्रोजेक्शन। और इसी के साथ एक और टॉपिक इसमें कवर होगा, हाउ टू कन्वर्ट अ 2D फ्लैट इमेज इनटू 3D एंड टर्न इट फ्रॉम डे टू नाइट। मैं ट्राई करूंगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए, बट अगर नहीं होता है, अगर वीडियो लंबा स्ट्रेच हो रहा है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। और इस ट्यूटोरियल के दौरान जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि मॉडल बिल्डर कैसे यूज़ करें, इन सब बेसिक्स टॉपिक्स मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है उन टॉपिक्स में जैसे कि मॉडल बिल्डर, हाउ टू यूज़ मॉडल बिल्डर, तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके मॉडल बिल्डर का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो उसमें मैंने क्लियरली समझाया कि कैसे मॉडल बिल्डर यूज़ करना है, उसे कैसे बेक करनी है ज्योमेट्री, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये सब छोटे टॉपिक्स मैं इग्नोर करके चलूँगा, और जो चीज़ भी मैं इग्नोर करूँगा उन सब के ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और बाकी मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा के रखे हैं पूरी वीडियो में। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है, अगर आपको जिस टॉपिक पे जाना है आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपके लिए भी इजी है कि आपको जो भी टॉपिक पे जाना है वहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो। वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए मैंने चैप्टर में इसको डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप अगली बार वीडियो देख रहे हो, आपको कोई चीज़ छोटी सी देखनी हो, तो आप वहाँ डायरेक्ट जाके चैप्टर्स में डिस्क्रिप्शन में वहाँ टाइम स्टैम्प से क्लिक कर सकते हो, आप वहाँ से डायरेक्टली फिर उसी टॉपिक पे आ जाओगे। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट्स में बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। अभी जो मैंने है इसमें फोटोशॉप खोल के रखा है। जैसे कि आपने देखा कि इस सीन को हम लोगों ने नाइट में कन्वर्ट करके रखा था, तो उसके लिए फर्स्ट अगर हम लोग इस इमेज को एनालाइज करें, तो अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्श शेडो बन रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हार्ड शेडो आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ पूरे विंडोज़ में आपको देख सकते हैं कि हार्ड शेडो पड़ रही है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे भी हल्के हल्के आप शेडो देख सकते हैं कि ये पूरी शेडो यहाँ तक गई है, और कुछ इस तरफ भी शेडो आ रही हैं। शेडो पार्ट जो जितने भी ये शेडो पार्ट हैं तो उन सबको हम लोग को पहले क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि अगर हम लोग डे टू नाइट कन्वर्ट करेंगे तो रात में तो ऑब्वियस है कि इस तरह की शेडो नहीं बनेंगे हार्श। ये सन है इसलिए ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, इस वजह से ये हार्ड शेडो आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुशेस भी आ रही हैं जो कि घर के सामने, और ऑब्वियस ये बात है अगर हम लोग को उसमें 3D मोशन देना तो यहाँ पे पैरेलेक्स दिखाना पड़ेगा। मैंने उसका अलग से रोटो ना लगा के उसको एक्चुअली इस पार्ट से ही निगलेक्ट कर दिया। अगर मैं आपकी पूरी क्लीन प्लेट दिखाऊँ जिसमें से मैंने शेडोज़ रिमूव करी हैं और ये पेड़ भी रिमूव किया है, तो वो कुछ इस तरह लगेगा। मैंने यहाँ से पूरी शेडोज़ ऑफ करी है, यहाँ पे इधर उसको थोड़ा सा ग्रेडियंट में कर दिया, जो शेडोज़ थी जो एक पूरी हार्ड जा रही थी उसको मैंने हटाने की कोशिश की जितना हो सके। ये एक मैंने रफ पूरा प्लेट बना के रखी है अपनी जिसपे मैं प्रोजेक्शन करूँगा। जो मेरी इनिशियल इमेज थी वो शेडोज़ के साथ थी, उसके बाद मैंने ये शेडोज़ हटा दी। उसके बाद मैं इस इमेज को न्यूक पर ले गया और फिर डे टू नाइट कन्वर्ट किया था। चलिए चलते हैं न्यूक पर, देखते हैं पहले स्क्रिप्ट इसकी। हम आ चुके हैं स्क्रिप्ट के अंदर। ये कुछ बेसिक स्क्रिप्ट आप इतनी देख सकते हैं जो मैंने यूज़ किया इस प्रोजेक्शन सेटअप में। शायद आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा हो अगर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन, तो बट जिसको प्रोजेक्शन आता है उसको पता है ये सेटअप कैसे होता है पूरा एग्जैक्टली। तो चलिए पहले स्क्रिप्ट समझ लेते हैं। ये जो मेरी इमेज थी जो मैंने लाई थी शेडोज़ पार्ट हटा के, वो ये इमेज है। इस इमेज को लिया मैंने और एक बेसिक कैमरा लगाया, सिर्फ कैमरा यहाँ पर टाइप किया, कैमरा लगाया, यहाँ से कैमरा ले लिया, यहाँ से कैमरा मैंने पिक कर लिया और कैमरे के साथ मॉडल बिल्डर लगा दिया ताकि हमें जो ज्योमेट्री बेक करनी है इस पूरे हाउस की और ये पूरा जो ग्राउंड है सामने, तो उसके लिए मैंने मॉडल बिल्डर यूज़ किया ताकि एक ही ज्योमेट्री में पूरा शेप आ जाए।
सो अगर मैं मॉडल बिल्डर पे वन प्रेस करूँ और यहाँ से मैं अपना कैमरा लॉक कर लूँ, और अभी देख सकते हैं कि मेरी ज्योमेट्री इस तरह दिख रही पूरी। ये वेट वायर फ्रेम पे मैं शो करता हूँ, तो कुछ इस तरह दिखेगा आपको वायर फ्रेम पे। ये मैंने ग्राउंड लगा के रखा है, फिर जैसे जैसे घर था वैसे वैसे मैंने ज्योमेट्री बनाता गया। सिंपल सी ज्योमेट्री, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसमें। बट अगर आप चाहते हो कि इस तरह की ज्योमेट्री आपको अगर थोड़ी सी मुश्किल लग रही बनाना इस पर, तो आप बेसिकली प्लेन लेके भी, आप अलग अलग प्लेन लेके भी एक ज्योमेट्री बना सकते हो। मेरे को एक ही में करना आसान लगा तो मैंने वही तरीका कर लिया। अगर मैं कैमरा हटाऊँ यहाँ से और वायर फ्रेम से भी हट के सॉलिड पे आ जाऊँ, तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री जैसे देख सकते हैं। सो ये मैंने ज्योमेट्री पूरी मॉडल बिल्डर से बनाई है। और जैसे कि मैंने बताया कि मॉडल बिल्डर का ट्यूटोरियल देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से आपको मॉडल बिल्डर का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप ये पूरी ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो ये मैंने ज्योमेट्री बनाई है इस इमेज को देख कर। उसके बाद इमेज पर आएँ तो इमेज के बाद मैंने थोड़ा सा, अगर मेरे को नाइट सीन बनाना है, हमारा जो मेन मोटिव है इसको डे टू नाइट भी करना है और 3D भी करना है, तो नाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा CC किया है इसमें, बस हल्का सा ब्लू टोन बढ़ाया है और इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको लो किया है। उसके बाद मैंने ग्रेड फिर से किया है, तो इस ग्रेड में जो मैंने किया है वो जो खिड़कियाँ थी उन पर मैंने ग्लो लाने के लिए मैंने सिंपली ग्रेड कर दिया फुटेज को। अगर मैं मास्क हटाऊँ अपना तो देख सकते हैं कि ये इस तरह से मैंने कुछ ग्रेड कर दिया पूरी फुटेज को, और मैंने इसको मास्क में अपने लगा के रखा है कि केवल इतने हिस्से में दिखे जितनी मेरे को विंडोज़ लिट चाहिए बस। इसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा विंडो ग्लो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को कि अच्छे से ग्लो होना चाहिए, इस वजह से मैंने अलग से ही एक रोटो पेंट लेके मैंने ब्रशेस की मदद से हल्का हल्का येलो पेंट कर दिया विंडोज़ पे, और कुछ इस तरह बना दिया। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि फ्रेम 70 पे है, तो फ्रेम 70 पे चलते हैं। तो इस समय देख सकते हैं कि विंडो को मैंने बिल्कुल येलो कर दिया, जितने भी विंडो पे मैं लाइट लगाने वाला था उन विंडोज़ को मैंने सिंपली येलो करके रख दिया ताकि वो ग्लो अच्छे से करे। अगर मैं ये CC ना करता तो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसा लगता। ओके, और उसके बाद अल्फा वाइट चाहिए तो मैंने सफल लगा दिया। उसके बाद फ्रेम होल्ड लगा दिया, जितनी भी प्लेट थी वो फ्रेम होल्ड हो जाए। तो मैंने जो रोटो पेंट लगाया था, जो रोटो हो रहा था गलती से अगर कहीं एनिमेट हो रहा तो वो भी फ्रेम होल्ड, सो एक प्लेट बन के रह गई यहाँ पर। उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प ले लिया, सिंपली पोस्टेज स्टैम्प जस्ट कॉपी करता है जो भी आप उस पर इनपुट करेंगे तो। और उसके बाद सेम मैंने कैमरा लिया है, लिंकिंग भी देख सकते हैं, तो सेम कैमरा मैंने कॉपी किया है और फ्रेम होल्ड इसमें भी लगा दिया कि 70 फ्रेम से कर रहा था मैं यहाँ, तो 70 फ्रेम पे कैमरा पे भी लगा दिया। और उसके बाद प्रोजेक्शन सेटअप किया है, बेसिक प्रोजेक्ट 3D लगाया इमेज में। और उसके बाद मैंने जो अपनी ज्योमेट्री मॉडल बिल्डर से लाई थी बेक करके, जस्ट मैंने इन दोनों कार्ड को सेलेक्ट किया तो यहाँ से बेक कर रहा था, तो बस वो मैंने बेक ज्योमेट्री अपने यहाँ पे लगा दी। साथ में मैंने अपनी ज्योमेट्री में बैकग्राउंड ऐड नहीं किया था, तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए मैंने एक कार्ड लगाया है, और यहाँ पे हट का एक पार्ट रह गया था तो उसके लिए भी मैंने एक कार्ड लगाया है। तो सिंपली ये दो कार्ड लगाए हैं और इनको मैंने सीन के साथ ऐड कर दिया है। अब सीन पर अगर हम लोग वन क्लिक करें तो कुछ इस तरह का आप सीन देख सकते हो। तो ये दोनों, ये जो कार्ड है मैंने, ये एक्स्ट्रा कार्ड मैंने लगाया है, ये विंडो का है जैसे देख सकते हो, ये विंडो का ऊपर पार्ट है, पहले कटा हुआ था इसलिए मैंने लगाया एक्स्ट्रा पार्ट, और ये जो पीछे है वो बैकग्राउंड है, बाकी के जो है वो बेक ज्योमेट्री। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने पैरेलेक्स के लिए मैंने ज्योमेट्री बनाई है, और ये है प्रोजेक्शन सेटअप। प्रोजेक्शन देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से हुआ प्रोजेक्शन। उसके बाद हमने जो लाइट लगाई है वो नाइट सीन क्रिएट करने के लिए, अगर इसको हम सारी लाइट ऑफ कर देंगे तो ये बेसिकली इस तरह दिखेगा। उसके बाद मैंने सिंपली स्कैनलाइन रेंडर लगाया है, और फिर जो हम लोगों ने ये कैमरा कॉपी करके ऊपर ही से लाए थे, ऊपर से ही कैमरा कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट किया और इसको एनिमेट किया है जैसे भी हम लोग का एनिमेशन चाहिए, सिंपल। सो अब स्कैनलाइन रेंडर के थ्रू अगर हम लोग देखें और टैब दबाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे अपने रेंडर में। सो कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है अभी आपको बिना लाइट्स के, अभी बड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट अगर ये लाइट ऑन कर दूँ तो कुछ इस तरह दिखेगा सीन, अच्छा लग रहा है ना। और यही अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं ये मर्ज और ये ग्रेड ऑफ़ कर दूं, जो कि मैंने विंडोज़ के ग्लो के लिए डाला था, अगर इसको ऑफ़ कर दूं तो कुछ इस तरह दिख रही है लाइट्स। अभी जो आप देख सकते हैं कि ग्लो तो कर रहा है बट अंदर में कुछ क्या लाइट का सोर्स कहाँ है वो नहीं दिख रहा है,
सिंपली लग रहा है कि हमने लाइट का सोर्स आगे लगा के रख दिया है, बस वही ग्लो कर रहा है। तो इसी चीज़ के लिए मेरे को अंदर से ही एक ग्लो लाना था, तो मैंने इसको ग्रेड करके और रोटो पेंट से हल्का सा येलो टोन ला के उनको ग्रेड कर दिया ताकि वो ग्लो वाला फील भी आए। सो इन दोनों को ऑन करते हैं। सो अब लग रहा है कि अंदर लाइट सोर्स है कुछ, तो वो बाहर आ रही है। और बाकी जो विंडोज़ पे मेरे को लाइट नहीं चाहिए तो उसको मैंने सेम वैसे ही रखा जैसे था वो। और यहाँ पे देखे तो स्कैनलाइन अंडर मैंने लगाया रखा है और उसके नीचे हम लोगों ने ग्लो लगाया है, तो ग्लो सिंपली बस ग्लो कर रहा है जितनी भी चीज़ें उनको और थोड़ा सा रियलिस्टिक फील करा रहा है। और एंड में हम लोगों ने ग्रेन डाला है, जस्ट ग्रेन डाल दिया हल्का सा। ग्रेन देख सकते कि रात में काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं तो इसलिए हम लोगों ने ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा डाले हैं। जो नाइट का सीन होता है उसमें ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक्चुअली, तो हम लोगों ने ग्रेन्स भी इसमें थोड़े ज़्यादा अमाउंट में डाला ताकि वो फील आए। सो बस उसके बाद हम लोगों ने कैमरा शेक की स्क्रिप्ट लगाई हुई है यहाँ पे। ये नॉर्मली आपको न्यू के साथ मिल जाती है, तो बस आपको बस कैमरा शेक लिखना है और कनेक्ट कर देना है जिसके आगे भी आपको शेक चाहिए कैमरे का, तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये बस शेक करने के लिए हल्का सा कैमरे में जो मोशन दिया हम लोगों ने, जो कैमरे की यहाँ पे मोशन दिया उसको हल्का सा वेरिएशन देगा। सिंपली अंदर की तरफ जूम इन नहीं होगा, हल्का सा शेकनेस भी होगी कैमरे में, लाइक अ हैंडल्ड कैमरा मोशन। सो ये स्क्रिप्ट थी पूरी, आई होप कि समझ आ गया हो। बट अब चलते हैं स्क्रैच से काम करते हैं पूरा। सो लेट्स कॉपी दिस फोटो इमेज और यहाँ पेस्ट करते हैं। इससे जो मॉडल बिल्डर वाला पार्ट है वो तो आप लोग ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, इसलिए मैं यहीं से बेग ज्योमेट्री जो है मेरी वो मैं कॉपी कर लूँगा। सो फर्स्ट ये इमेज है, इसको नाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग चलिए पहले ग्रेड कर लेते हैं। तो हिट जी फॉर ग्रेड नोड, उसके बाद ग्रेड नोड आ जाएगा। सिंपली आप ग्रेड नोड पे जाइए, वन दबाइए और यहाँ पे आके लेट्स चेंज सीसी। तो पहले तो हम लोग को जितना भी इसके हाइलाइट्स हैं उनको डाउन करना होगा। गेन जो है वो हाइलाइट्स पे वर्क करते थे तो इसलिए हम लोग गेन को डाउन कर रहे हैं। गामा जो है वो आपका मिड टोन से वर्क करता है, तो आपका अगर इसको डाउन करेंगे तो आपको हल्का सा ये कॉन्ट्रास्ट आएगा। रात में अगर देखें तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है, तो आप इसको हल्का सा कॉन्ट्रास्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफसेट को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई को हम लोग हल्का कम करते हैं और मल्टीप्लाई में हम लोग ब्लू के चैनल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि मूनलाइट टोन आए इसके अंदर। मूनलाइट टोन के लिए हम लोग ब्लू को बढ़ा देते हैं, हल्का सा ग्रीन भी बढ़ेगा, रेड घटेगा, कुछ इस तरह का आप बना सकते हो सीन। ये कुछ हम लोगों ने शाम का सीन टाइप का बना के रखा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शाम का सीन है इस समय। अगर यही इस समय हार्ड शेडो अगर यहाँ पे पड़ रही होती तो वो ऑकवर्ड लगता, नाइट का सीन लगता ना, लगता कि अभी भी शेडो है, तो उसके लिए हम लोगों ने शेडो हटाई यहाँ पे भी। सो कुछ इस तरह का सीन हम लोगों ने बना दिया है। इसके बाद हम लोग को सिंपली एक ग्रिड नोड और लेते हैं, ये सिंपल विंडो के लिए केवल, तो ये ध्यान रखिएगा। सो विंडो के लिए हम लोग को एक वार्म टोन चाहिए, तो लेट्स गेन पे हम लोग क्लिक करते हैं, गेन के ये कलर पर क्लिक करते हैं हम लोग और इसको येलो टोन में ले आते हैं। तो इसको हम लोगों ने येलो टोन पे ले आया है फिलहाल के लिए। वाइट पॉइंट को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं ताकि येलो का जो टोन है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। और जैसे देख सकते हैं ये शेडो पार्ट है, तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई से भी आ सकते हैं, जस्ट हमें इंक्रीज़ करना है इसके अंदर जो येलो पार्ट इंक्रीज़ करना है। तो कुछ इस तरह हमने वार्म टोन ले आया है पूरा अपने ओवरऑल सीन में, बट हमें तो पूरे ओवरऑल चाहिए नहीं, हमें तो उन विंडोज़ में चाहिए जो हम लोग को विंडोज़ ग्लो करानी है। तो लेट्स क्रिएट अ मास्क और ग्रेड के मास्क में इसको इनपुट कर देना है। इस ग्रेड को भी ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए ताकि देखने में आसानी हो। सो इस रोटो के अंदर हम लोग को बस सिंपली शेप बनाना है कुछ, तो जल्दी से मैं यहाँ से रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ, सिंपल विंडो तो रेक्टेंगल शेप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ शेप बनाया मैंने इस तरह, जिससे तक पूरा का पूरा येल्लो हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से ओवर से हम लोग माइनस पे क्लिक कर देंगे, सिंपली एक शेप बनाएंगे यहाँ पे, इसको हल्का शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे हल्का सा, कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा हमारा, हल्का सा एक पॉइंट ऐड किया यहाँ पे मैंने ताकि हल्का सा कर्व है, अनइवन सरफेस, इतनी क्लीन सरफेस नहीं कि पूरा रेक्टेंगल हो जाए, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे हम बस माइनस कर रहे हैं कि इस पे ना आए, अंदर किस एलिमेंट्स पे आए, यहाँ पर ना आए। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं,
तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। इसी तरह हम लोग ये वाले भी जितने विंडो हैं इनको भी कर देते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि ये जो रोटो वाला पार्ट है वो वीडियो ना खाए, इसलिए भी थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो कुछ विंडो आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मैंने रोटो करके रखा है यहाँ पे। तो अगर इसको ऑफ़ करूँ तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। तो चलिए इसी तरह ग्रेड भी ऑफ ऑन कर देते हैं हम लोग। तो हल्के से हम लोगों ने इसका ग्रेड कर दिया है, सिंपली हम लोग को रोटो इस यहाँ के भी शेप बनाना है और कोई भी जो विंडो हम लोग ग्लो करानी वहाँ पे हम लोग शेप बना सकते हैं सिमिलर। तो चलिए मैं यहाँ से रोटो अपना कॉपी कर लेता हूँ, जो भी मेरे रोटोस थे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो हमने ये रोटो कॉपी कर लें, सिंपली मैं इस रोटो की बीजी से कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये यहाँ पे फिट करने लगे। कुछ देख सकते हैं इस तरह से ग्लो आया है, बट अभी भी देख सकते हैं कि इतना अच्छे से प्रॉपर ग्लो नहीं आया है। सो उसके लिए ही हम लोग रोटो पेंट नोड का यूज़ करते हैं यहाँ पे। सिंपली हिट पी, इसको डायरेक्टली हम लोग नोड से कनेक्ट नहीं करेंगे, बस हम लोग एक मर्ज लेंगे और मर्ज से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे ओवर से। हमने यहाँ भी इसी तरह सेम किया था वैसे हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। और हाँ, हम लोग यहाँ पे हल्का सा ब्लर भी डाल सकते हैं ताकि एजेस प्रॉपर ब्लेंड हो, शार्प ना आए, बिल्कुल लाइन की तरह ना आए। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, 3 काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 काफ़ी है, हल्का सा सॉफ्टनेस आ गई, ठीक है। और हल्का से अंदर आ रहा था इसलिए हम लोग रोड भी लगा सकते हैं ताकि ज़्यादा अंदर ना आए। सो राइट, सो ये इरोड और ब्लर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। देन रोटो पेंट में हम लोग कुछ नहीं, सिंपली रोटो पेंट पे डबल क्लिक किया और ओवरले ऑन कर दिया। यहाँ से ब्रश टूल लेना है और यहाँ पे सिंपली जाके हम लोग को येलो कलर पे आ जाना है। हल्का सा वार्म टोन चाहिए हम लोग को ताकि जो ब्राइटनेस है वो अच्छे से आए। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे मर्ज पे ताकि हम लोग देख सकें रोटो पेंट में हम लोग कर क्या रहे। सिंपली हम लोग इसकी ओपेसिटी 0.1 लिखेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह ग्लो मारेंगे। हम लोग पूरी विंडो भी कर सकते हैं, जस्ट बड़ा करेंगे टूल शिफ्ट के साथ, बड़ा हो जाएगा ब्रश। सिंपली हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देंगे फिल। और यहाँ से सिंपली फिर से हमें इरेजर लेना है और इरेजर के साथ हम लोग को इरेज कर देना वो पार्ट जहाँ पे हमें नहीं चाहिए। सिमिलरली बीच में जो हमारी जो वुडन स्टिक्स, वुडन की लाइन्स हैं उनको भी सेम इसी तरह ट्रीट करना है हमें। मैं ये मर्ज ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कौन कौन सी चीज़ें रिवील करनी। तो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे इसके रूट में जाकर हल्के से ओपेसिटी हम लोग कम कर देंगे। और ये वाला थोड़ा सा पैच दिख रहा है तो इसलिए हम लोग पहले वाले ब्रश पे जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। और ऊपर पे फिर से जाकर रूट में हल्की सी ओपेसिटी कम करेंगे, हमें हल्की सी ओपेसिटी में चाहिए, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, इफेक्ट बस हल्का सा चाहिए कि हल्का सा इफेक्ट लगे। इसको 0.1 पे लिखेंगे, हल्का सा यहाँ पे भी डाल देंगे इसी तरह सेम। तो कुछ इस तरह हो गया, सेम हम लोग इसी विंडो को भी इसी तरह ट्रीट करेंगे। तो ब्रश लेना है सिंपल, सिंपली ब्रश लेना है और इसको हल्का सा कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा, फिर से मैंने पेंट करके रख दिया यहाँ पे सेम। और सेम इसी तरह हम लोग को ये वाली विंडो भी हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जस्ट जल्दी से मैं यहाँ पे हल्का सा ग्लो, हल्की सी ओपेसिटी में थोड़ा सा ग्लो लाता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस मैंने फिल कर दिया जिस तरह।
सेम यहाँ पे। अभी जितने भी ये इवेननेस है, आपको अनइवेननेस लग रहा है वो सब भी हट जाएगा। सो अनइवेननेस हटाने के लिए हम लोग को बस यहाँ पे एक ब्लर नोड ऐड करना पड़ेगा। हमने जस्ट बी प्रेस करी तो ब्लर नोड ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह। हम लोग इसको ब्लर बढ़ा सकते हैं वैल्यू। तो जितनी भी ये अनइवेननेस सरफेस थी वो भी अब हट गई है, हम लोगों ने वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है यहाँ पे, तो वो चीज़ भी हम लोग को ब्लर दिख गई, सॉफ्ट आ गई है। सो इतना पार्ट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अभी तो अभी ऑकवर्ड लग रहा होगा थोड़ा सा ये जो येलो येलो मैंने पेंट किया, बट अभी सही हो जाएगा। इस मर्ज में भी आकर आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर सकते हैं, जैसे भी आपको इफेक्ट चाहिए। आप लोग जैसे आपको जब लाइट लगाएंगे ना उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना इफेक्ट चाहिए ये। तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस इसकी घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फील देना है कि लाइट बंद बुझ रही है तो आप इसको भी एनिमेट कर सकते हैं, तो वो फील देगा कि लाइट ब्लिंक हो रही है अंदर में सिंपली। तो इतना हमने ओपेसिटी रख देते हैं। अब इतनी हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है फ़िलहाल, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए।